महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेसन नंबर 3 शाल। इस पाठ के लेखक है राघव जाधव। शाल एक वस्तु है, शॉल जो हम ओढ़ते हैं सर्दियों में, या तो किसी को इज्जत देने के लिए हम शाल ओढ़ाते हैं, है ना। तो इस पाठ में लेखक ने इस एक वस्तु को प्रतीक बनाया है, यानी सिंबल बनाया है इज्जत देने का, और अपने अनुभवों से, कुछ किस्सों से, कहानियों से हमको इस बात के बारे में समझाया है कि शाल किसी को ओढ़ाना या इज्जत देना और खुद शाल ओढ़ना, ये शालीनता है, और किस तरह शाल जो है वो शालीनता का प्रतीक हो सकती है। ठीक है, अब हम लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। इस लेसन को मैंने दो पार्ट में रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि हर एक पेज का एक पार्ट है, तो दो पेज का लेसन है, तो ये दो पार्ट में मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, मैं लेसन पढ़ना शुरू करती हूँ। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो। यानी लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं एक व्यक्ति के पास गया था, उनका नाम था पु ल देशपांडे। किसी काम से गया था मैं, काम होने के बाद मैं निकलने लगा। तेवढ्यात सुनीता बाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय। याने उतने में ही सुनीता बाई, जो कि पु ल देशपांडे, जिनको मैं मिलने गया था ना, उनकी पत्नी सुनीता बाई ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि मेरे पास कुछ शॉल है, अगर मैं आपको दूँ तो चलेगा क्या, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय। मी एका पायावर हो म्हटले। मैंने तो फट से हाँ कह दिया। पु ल व सुनीता बाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला, के सुनीता बाई जो कि उनकी पत्नी थी वो मुझे शॉल देगी, ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही। तो मैंने उस शॉल को अपने रूम में एक सूटकेस में रख दिया संभाल कर, क्योंकि वो एक भेंट थी किसी व्यक्ति की, तो मुझे उसको अच्छे से संभाल कर रखना था। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। अब देखो, ये पहले की जो चार लाइन है वो एक छोटा सा वाक्य है जो कि अलग है। इसके बाद लेखक वाई, ये जो आप शब्द देख रहे हैं वाई, वाई एक जगह का नाम है। तो मैं कुछ दिनों बाद वाई गया, वहाँ पर विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून, विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया बुक्स जहाँ पर लिखी जाती है, तो उसका अध्यक्ष बनकर मैं वहाँ गया। तिथे नदी काठच्या प्रयाग पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। तो वहाँ पर एक छोटी सी खोली मुझे दी गई और वहाँ पर मैं रह रहा था, और मेरी खोली के बाजू में नदी का किनारा था, नदी काट यानी नदी का किनारा। खोलीच्या दक्षिणे कडील खिड़क्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहार होत्या। यानी खोली की जो दक्षिण दिशा थी, साउथ, उसकी जो खिड़की खुलती थी वहाँ से कृष्णा नदी दिखाई देती थी, और उसकी हल्की हल्की लहरें चिंचोड़ा प्रवाहावर होत्या, यानी हल्की हल्की लहरें वहाँ पर दिखाई देती थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिड़की खालील घाटाचा छोटा तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपली ठेवून मासे पकडण्याचा उद्योगात होती। तो मेरी जो वो खिड़की साउथ दिशा में खुलती थी, उस खिड़की के नीचे एक छोटे से तट पर एक औरत बैठी थी और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, छोटे मूल एका टोपली, उसने अपना उस बच्चे को एक छोटे से टोपली में रख दिया था, टोकरी में रख दिया था, और वो खुद मच्छी पकड़ रही थी। तिचे बाढ़ कड़ाक्याचा ठंडी ने कुड़कुड़त राहत होते, और उसका बच्चा जो था वो ठंडी में, कड़ाके की ठंडी पड़ी थी और वो थरथरा रहा था। पण आई तिकड़े भगती नहती, तो उसकी माँ लेकिन अपने बच्चे को देख ही नहीं रही थी, क्योंकि वो मछली पकड़ने में व्यस्त थी।
मला मात्र राहले नाही, मुझसे रहा नहीं गया। मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली, 550 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। तो मुझसे रहा नहीं गया उस ठंडी में उस गरीब औरत को देखना, उसके बच्चे को रोते हुए सुनना। तो लेखक ने क्या किया, अपने सूटकेस में से वो शॉल, उस शॉल को देखो यहाँ पर पुलकित शॉल कहा गया, पुलकित, पुलकित यानी खुशी देने वाला, ठीक है ना। तो उसने वही शॉल जो सुनीता बाई ने उनको दिया था उसको उन्होंने निकाला, उसके साथ 550 रुपये यानी कुछ रुपये के नोट निकाले और उसने उन्होंने लेखक ने उस औरत को आवाज़ लगाई, हाक मार ली यानी आवाज़ लगाना, देखो हाक मार ली याने आवाज़ लगाना। खिड़की तून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, तो मैंने खिड़की से ही वो सारी चीज़ें उस औरत को दी और मैंने कहा, त्या बाळाला आधी शाळीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस, याने उस छोटे से तुम्हारे बच्चे को पहले शॉल में लपेटो और फिर तू मछली मारते बैठो। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती, यानि उस शॉल को मुझे उस औरत को देखकर इतनी खुशी मिली। ऊब यहाँ पर ये जो शब्द है ऊब, ऊब यानि कि वॉर्म्थ यानि कि गर्माहट, यानि कि मेरा मन इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ किसी को मदद करके कि मुझे उस शॉल को ओढ़कर वो ऊब महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरे की मदद करने से मुझे वो ऊब महसूस हुई। ये एक घटना हो गई, ठीक है ना। जैसे यहाँ के हम लोग ने देखा कि पहले चार लाइन में एक घटना हो गई, फिर नीचे ये एक वाक्य हो गया यानी कि ये एक स्टोरी हो गई। उसके आगे लेखक कहते हैं कविवर्य नारायण सुर्वे, देखिए ये नाम आपको याद रखना होगा, कृति में आएगा, कविवर्य नारायण सुर्वे ये कवि थे, ठीक है। और वो बहुत सारे सभाओं में सम्मेलनों में जाते थे। सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत, गाजवत यानी ऑर्गेनाइज करते थे सम्मेलन। पुढ़े ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष ही झाले, तो वो साहित्य सम्मेलन के हेड बन गए। परिणाम तो त्यांच्या कार्यक्रमांना आहोरात्र भरतीच असे, इसका परिणाम यह हुआ कि उनके कार्यक्रम को दिन रात लोग भर्ती होते थे, यानी कि बहुत भीड़ जमती थी उनको सुनने के लिए, उनकी कविताएं सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। देखिए बच्चों ये शब्दों पर बहुत ध्यान दो, ये कृति में आते हैं। सम्मान का शाल यानी उन वो जिस भी सभा में जाते थे लोग उनको सम्मान से शॉल ओढ़ाते थे, है ना। और श्रीफळ यानी कि कोकोनट यानी नारियल उनको देते थे सम्मान करने के लिए। एकदा ते मला म्हणाले या शाळी घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, यानी इतने सारे शॉल मुझे मिलते हैं कि इन शॉल को लेकर मैं शालीन बन गया हूँ। शालीन इस शब्द का मतलब है जिस गुड मैन और जेंटलमैन, है ना, जिनको जो जिसके गुड मैनर्स है गुड हैबिट्स है उसको शालीन कहते हैं, उस इंसान को शालीन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि शॉल ले लेकर मैं शालीन बन गया हूँ। त्याच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। तो उनकी इस बात में ये जो शब्द है त्याच्या बोलण्यात उपरोधिक खोज, उपरोधिक खोज का मतलब है टू बी सार्कास्टिक, इंग्लिश में ये वर्ड है सार्कास्टिक यानी कि मजाक करना। सार्कास्टिक, तो उनके बोलने में एक सार्कास्म था यानी वो मजाक कर रहे थे। उपरोधिक खोज माझ्या नवे तर कोणाच्याही सहजपणे, मुझे ही नहीं लेकिन किसे
किसे भी ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, कोणाच्याही सहमत सहजपणे लक्षात येणारी होती। कोई भी माँ समझ जाता था कि वो मजाक कर रहे कि शॉल ले लेकर मैं शालीन बन गया हूँ। शाल व शालीनता याचा संबंध काय, यानी कि शॉल में और गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स में इसका क्या संबंध है। खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विना शोभते, यानी सच्ची जो शालीनता है, वाकई में कोई इंसान शालीन है, इज अ प्रॉपर जेंटलमैन है, तो वो इंसान के लिए शॉल कोई मायने नहीं रखता है। सुरवे मुड़ातत शालीन, देखिए ये आपको ऑनलाइन आंसर में आता है कि सुरवे शॉल लेकर शालीन बने, या तो वो वैसे ही शालीन थे। तो आपको कहना है कि सुरवे मुड़ा तच, मुड़ यानी कि उसके रूट्स, यानी वो बेसिकली वो एक शालीन इंसान थे, उनमें गुड हैबिट्स थी, उनकी सोच अच्छी थी, वो एक अच्छे इंसान थे। तो सुरवे जो थे वो मुड़ा तच शालीन, इन सारे चीज़ों को अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि ये सब कृति में आता है। शालीन त्या वर्षावा खाली या त्यांच्या शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही, यानी शॉल्स के बारिश वर्षावा खाली, यानी शॉलों की बारिश भी हो जाएगी तो भी उनकी जो शालीनता है वो कभी भी वो नहीं खोएंगे, हरवने हरवली नाही, यानी उन्होंने खोई नहीं और ना ही वो फीकी पड़ी। उसकी जो चमक है, उनकी जो शॉल, उनकी जो अच्छाई की जो चमक है, वो कभी भी उन शॉल्स के ढेरों के नीचे वो कभी भी हल्की नहीं हुई। मी कवी वर्यांना म्हटले, मैंने उनसे कहा, उन कवी से मैंने कहा कि शालीनमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जाबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। तो उनके ऐसे कहने पर कवी कहते हैं, हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि अगर शॉल ओढ़ने से और बहुत सारे शॉल लेने से अगर इंसान शालीन बनता है, एक जेंटलमैन बनता है, तो मैं तो कर्ज बाजारी हो जाऊंगा, यानी मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, कर्जा लूंगा, भीकेला लागिन गरीब हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतने हजारों शॉल खरीदूंगा, सैकड़ों शाली खरीदी करूं, सर्वाना एक एक शॉल लगेज नेऊन देन, यानी मेरे पास पैसे ना भी हो तो मैं बहुत सारे शॉल्स खरीद कर मैं सबको बांटूंगा ताकि पूरी दुनिया शालीन हो। अगर दुनिया शालीन होगी तो क्या होगा, सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, सब अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो लेखक ये भी बात जो है वो मजाक में कह रहे हैं कि शाली मोड़े शालीनता येथ, यानी शॉल ओढ़ने से इंसान शालीन बन जाएगा ना, तो मैं तो कर्ज लेकर भी शॉल्स खरीदूंगा और सब में बांटूंगा। या वर तो शालीन कवी मनापासून हसला, यानी जो कविवर्य नारायण सुर्वे थे उन्होंने ये बात पर वो हंसे। आगे शाली मुड़े शालीनता ये के जाते, अब ये सवाल जो है वो आपको वन लाइन आंसर में भी आता है। शाली मुड़े शालीनता येत की जाते, यानी शॉल ओढ़ने से शालीनता आती है या जाती है, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असे आहे, यानी शॉल ओढ़ने से मेरा जवाब ये है कि शालीनता आती नहीं है बल्कि जाती है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे, यानी सम्मान करने में करने के तरीका जो हमारा है कि कोई भी इंसान स्टेज पर बैठता है तो हम उनको शॉल ओढ़ाते हैं, भले से वो इंसान कैसे हैं हम नहीं जानते, लेकिन उसको शॉल ओढ़ाकर हम उसको सम्मान देते हैं। अब ऐसा करने से लेखक कहते हैं कि हम एक शालीन जग गमावून बसना से धोखा आहे, मतलब हम हो सकता है कि कोई अच्छा इंसान हो जो वाकई में शालीन हो, हम उसको शॉल नहीं पहनाते, और हो सकता है ऐसा करने में हम एक ऐसी दुनिया बना लेंगे जिसमें सारे शालीन लोग तो नहीं होंगे, ठीक है ना, और ऐसे अच्छे जो लोग हैं उनको खोने का धोखा हो जाएगा हमारी दुनिया में। तो ये इज्जत देने का एक गलत तरीका है, इस तरह से कवि की राय है, हमारे लेखक की राय है।